Hello students, this is Kavita Bairagi. I welcome you all in this video. Today we are gonna start a chapter of class 10th, Footprint Without Feet, and the name of the chapter is The Necklace. So let's start with its introduction. Matilda is invited to a grand party. Matilda ko jo hai ek badi si party mein invite kiya jata hai. She has a beautiful dress but no jewelry. उसकी ड्रेस काफ़ी खूबसूरत होती है लेकिन उसके पास ज्वेलरी नहीं होती है. शी बोरोज अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड. तो वह अपनी एक दोस्त से एक नेकलेस बोरो करती है, उधार लेती है. एंड शी लोसेस इट, और वह उसको खो देती है. व्हाट हैपन्स देन, उसके बाद क्या होता है हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे. सो लेट्स बिगिन विथ इट्स फर्स्ट स्टैंजा. She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny. वह एक ऐसी सुंदर और यंग लेडी महिला थी जो कि अपनी डेस्टिनी को, अपने भाग्य को गलत मानती थी, क्योंकि इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स, क्योंकि वह एक क्लर्क की फैमिली में आ चुकी थी. उसने एक क्लर्क की फैमिली में जन्म लिया था. She had no dowry, no hopes, no means of becoming known. और ना ही उसके पास दहेज था, ना ही कोई होप थी, और ना ही वो उसको जानने के ज़्यादा सोर्सेस थे. लव्ड एंड मैरिड बाय अ मैन ईदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड. और जो है ना ही उसके पास ज़्यादा प्यार था, और ऐसे पर्सन से उसने शादी की थी जो कि ना ही ज़्यादा रिच था और ना ही ज़्यादा पुअर था. एंड शी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी अ पेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन. और उसने अपने आप को ऐसे पर्सन से अलाउ, शादी करना अलाउ कर लिया जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन में क्लर्क था. शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी. वह काफ़ी सिंपल और सीधी थी लेकिन काफ़ी दुखी थी. शी सफर्ड इंसेसेंटली. और वह काफ़ी निरंतर क्या होती थी, इंसेसेंटली का मतलब क्या होता है, दुखी होना. फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज. वह अपने आप को ऐसा महसूस किया करती थी कि उसका जन्म जो है सभी टाइप के स्वादिष्ट भोजन तथा आराम वस्तुओं करने का भोग के लिए हुआ है, है ना, कि उसको जो है सारी लग्जरीज मिलनी चाहिए, सारी जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो उसको मिलनी चाहिए. शी सफर्ड फ्रॉम द पुअर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट. वह जो अपने घर का फटेहाल, मतलब पुअर्टी थी, उसकी गरीबी थी, उसमें उससे सफर्ड कर रही थी. द शैबी वॉल्स एंड द वॉर्न चेयर्स. ठीक है, और उसकी जो दीवारें थी, शैबी, शैबी का मतलब होता है बदरंग, और जो चेयर्स थी वो भी फटी हुई थी. ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर. और ये सारी चीज़ें जो हैं उसको परेशान करती थी और गुस्सा दिलाती थी. व्हेन शी सीटेड herself for dinner opposite her husband who uncovered the tureen with a delighted air saying oh the good pot pie I know nothing better than that. और जब वह डिनर के करने के लिए अपने हस्बैंड के साथ बैठती तथा उसका पति सूप के कटोरे का ढक्कन प्रसन्न भाव से हटाता तथा कहता कितनी अच्छी चीज़ है. She would think of elegant dinners. तो वह जो थी सबसे ज़्यादा किसी के बारे में जो है सोचती थी, भाई इससे ज़्यादा वो नहीं सोचती थी. She thought of the exquisite food served in marvelous dishes. She had neither frocks nor jewels, nothing, and she loved only those things. ओके, सो उसके पास तो जो वो समय था, मैटिल्डा के मन में जो था, बहुत सारी सुंदर प्लेटों में रखी हुई याद आती है कि बहुत सारी चीज़ें जो उसकी घर की कंडीशन थी उसको वो भूलकर ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें जो है उसके सामने एक एलिगेंट डिनर रखा है और शाइनिंग सिल्वर प्लेट्स हैं, और वो उस जो फूड सर्व्ड है मार्वलस डिशेस में किया जाता है उनके बारे में सोचती थी. और ना ही उसके पास अच्छी फ्रॉक्स थी और ना ही उसके पास अच्छी ज्वेलरी थी, उसके पास कुछ नहीं था. एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग, और वह सिर्फ उन्हीं चीज़ों से प्यार करती थी. शी हैड अ रिच फ्रेंड, अ स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट. शी सफर्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न्ड.
उसकी एक रिच फ्रेंड थी जो कि कॉन्वेंट में उसकी क्लासमेट थी, वह उससे मिलना पसंद नहीं करती थी क्योंकि जब वह उसके यहाँ से वापस लौटती थी तो वो काफ़ी दुखी हो जाया करती थी। शी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डिसअपीयर एंड डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, तो वो डिसअपॉइंटमेंट्स होता है निराशा से सारे दिन भर रोती रहती थी। वन डे हर हस्बैंड रिटर्न elated bearing in his hand and a large envelope. Here he said, here is something for you. तो एक इवनिंग को क्या होता है, उसका हस्बैंड अपने एक हाथ में बड़े से लिफाफा लेकर काफ़ी एक्साइटेड होता है, काफ़ी खुश होता है और उससे कहता है कि here he said, here is something for you, कि ये लो तुम्हारे लिए इसमें कुछ है। She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. और वो जल्दी से उस printed card को खोलती है जिसमें ये words लिखे होते हैं, The Minister of Public Instruction and Madam George Reponu as the owner of M and M Lozil's company, Monday evening, 18 January at the minister's residence. अब जो होते हैं, जो शिक्षा मंत्री होते हैं तथा मैडम जॉर्ज जो होती हैं जिनका नाम रैम्पोन, मिस्टर एंड मिसेस लाइजल जो कि उस मिनिस्टर हाउस में रहते हैं, उन्होंने जो है मंडे को 18 जनवरी को इवनिंग में उनको इनवाइट किया था। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, शी थ्रू द इनविटेशन स्पिटफुली अपॉन द टेबल मर्मरिंग। अब उसको हस्बैंड को ऐसा लग रहा था कि वह खुश हो जाएगी, लेकिन वह खुश होने की बजाय शी थ्रीव द इनविटेशन, उसने क्या किया, उस इनविटेशन को टेबल पर पटक दिया और मर्मरिंग का मतलब होता है बड़बड़ाने लगी। व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, है ना। तो वह कहती है कि मैं इस कार्ड को लेकर क्या करूँ। बट माई डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी। तो उसका हस्बैंड उससे कहता है कि लेकिन मुझे ऐसा लगा कि तुम इसे देखकर खुश होगी। यू नेवर गो आउट एंड दिस एन ओकेजन एंड अ फाइन वन, एवरीबडी विशेज वन एंड इट इज़ वेरी सिलेक्ट, नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज। ठीक है, तो वह कहती है कि तुम कभी बाहर नहीं जाती, है ना, और ये हमारे लिए जो है एक काफ़ी अच्छा ओकेजन है ना, भी हर व्यक्ति इसको पाने के लिए तरसता है और ये जो है किसी गिने चुने लोगों को ही इसमें इनवाइट किया जाता है। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, और तुम वहाँ पर जो है सभी जो ऑफिशियल वर्ल्ड होता है, जो कर्मचारी होते हैं, उनसे तुम मिलोगी। शी लुक्ड एट हिम विथ इरिटेटेड आई एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, What do you suppose I have to wear to such a thing as that? तो वो उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि आप क्या सोचते हैं कि मेरे पास कुछ पहनने के लिए है। He had not thought of that, he stammered, है ना, और वह उसके बारे में नहीं सोचता है तो वो क्या होता है, थोड़ा सा हकलाता है। stammered का मतलब क्या होता है, हकलाना। Why the dress you wear When we go to the theater, कि तुम वो ड्रेस क्यों नहीं पहनती जिसको पहन के तुम थिएटर गई थी। It seems very pretty to me. He was silent, stupefied in dismay. और उसकी वाइफ कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि वह मुझ पर अच्छी लगती है, है ना, और वो जो है चुप हो जाता है एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, है ना, वो उसकी वाइफ को जो है थोड़ा सा रोते हुए देखता है। ही स्टमर्ड, अब वो वापस से हकलाते हुए बोलता है व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर। जब वो रोने लग जाती है तो वो काफ़ी सोचने लग जाता है कि इसको क्या हुआ है, तो वो उससे पूछता है कि क्या बात है। बाय अ वायलेंट एफर्ट शी हैड कंट्रोल्ड हर वेक्सेशन एंड रेस्पॉन्डेड इन अ काम वॉइस, वीपिंग हर मॉइस्ट चिक। अब भी बहुत ज़्यादा जो है उसने कोशिश करने के बाद जो है वह अपनी जो नाराज़गी रहती है, नाराज़गी पर क्या करती है, कंट्रोल करती है। वैक्सेशन का मतलब क्या होता है, नाराज़गी, और उसको एक काम वॉइस में रिस्पॉन्स करती है अपने जो गीले गाल होते हैं, जो आंसुओं से गीले हो जाते हैं, उनको पोछते हुए।
नथिंग ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कंसिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, है ना। तो वो बोलती है कि कोई बात नहीं है, बस मेरे पास अच्छी ड्रेस नहीं है, इसीलिए जो मैं है इस ओकेजन में नहीं जा सकती। गिव योर कार्ड टू सम कलीग हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई, है ना, कि तुम अपना कार्ड जो है किसी कलीग को दे दो जिसकी वाइफ के पास एक अच्छी ड्रेस हो। ओके, ही आंसर्ड ग्रीव्ड बट आंसर्ड, लेट अस सी मेल्टिनला, हाउ मच वुड अ सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन समथिंग वेरी सिंपल। तो वह जो है वो कुछ, वो भी काफ़ी दुखी हो जाता है, लेकिन वह आंसर देखता है कि ठीक है, देखते हैं मेटिल्डा, और जो ड्रेस है ऐसी कौन सी ड्रेस है जो दूसरे ओकेजन पर भी हम पहन सकते हैं, ऐसी कोई सिंपल ड्रेस हो, और वो कितने में आएगी। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स थिंकिंग ऑफ अ सम दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विथ इट एन इमीडिएट रिफ्यूजल एंड अ फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क। अब क्या होता है कि वो कुछ सेकंड तक जो है वो सोचने लग जाती है कि ऐसी कितनी वो पैसे बताए कि उसका पति जो है तुरंत जो उसको डिनाई नहीं करे, इनकार नहीं करे, और एक जो इकोनॉमिकल क्लर्क होता है वो उसे डरना जाए, क्योंकि वो एक क्लर्क होता है, उसकी सैलरी जो होती है वो काफ़ी कम होती है। फाइनली शी सेड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, और वो अंत में एक हेजिटेटिंग वॉइस में उसने कहा, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रांसिस ऑट टू कवर इट, कि मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकती, लेकिन 400 फ्रांसिस में जो है इसको कवर किया जा सकता है। ही टर्न अ लिटिल पेल, अब उसका चेहरा जो है वो कैसा हो जाता है, पेल, पेल का मतलब क्या होता है, पीला पड़ जाना, ठीक है। फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाय अ गन दैट ही माइट बी एबल टू जॉइन सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर विद सम फ्रेंड्स हु वेंट टू द शूट लार्क्स ऑन संडे। अब क्या होता है कि क्योंकि उसने जो है कुछ पैसे एक बंदूक खरीदने के लिए बचा के रखे थे, ताकि वह अगली गर्मी में ना, हंटिंग का मतलब क्या होता है, शिकार करना, शिकारी दल के साथ जो अपने फ्रेंड्स हैं उनके साथ वो शामिल हो सके, है ना, और लार्क जो बर्ड होता है उसको, उसकी शिकार पर वो संडे को जा सके। Nevertheless, he answered. तो वो बोलता है कि ठीक है, उसने आंसर दिया, वेरी वेल आई विल गिव यू 400 फ्रेंसेस बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस, कि मैं तुम्हें 400 फ्रेंसेस दूंगा, लेकिन तुम कोशिश करना कि तुम एक अच्छी ड्रेस खरीद सको। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, एंड वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द सेकेंड पार्ट। थैंक यू।